उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और मरीजों के लिए निःशुल्क दवाओं को उपलब्ध करा रही है, लेकिन मरीजों को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल कई महीनों से बाहरी दवाओं को बेचा जा रहा है और इसके बदले पैसा मांगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी यूनानी एवं आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया जी से मिलने हम आए हैं। मामला यह है प्रकरण कि विगत दिनों उनके एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर पैसे दवा के बदले पैसे लेने का वीडियो हमने जारी किया था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी जी के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने तत्काल में आनंद फानंद में एक वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया। सनी कुमार गुप्ता वार्ड बॉय द्वारा दवा दी गई थी मरीज को, लेकिन पैसा तो उसका लिया नहीं गया था। फिर क्योंकि मरीज उनके द्वारा बताया गया कि दवा बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। दवा कोई भी बाहरी दवा अंदर नहीं रखना।